शायद आज बारिश होगा हो भी सकता है देखिए कितना काला घना बादल जब कोलकाता पे बारिश होता है यहाँ पे भी बारिश होता है कोलकाता पे गर्म यहाँ पे भी गर्म पर फ्लोरिडा का वेदर बेटर कोलकाता की वेदर से प्लेजेंट है हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग अभी रात का साढ़े आठ बज गए हैं मैं बाहर जाके आज आप लोगों के लिए थोड़ा शूट किया बहुत अच्छा लगा वेदर बहुत अच्छा है जैसे नवंबर दिसंबर जैसा वेदर है मे का महीने पे कोई कोई दिन ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड भी हो रहा है इतना अच्छा लग रहा है आज थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया वही इयर लगा लिया एक टॉप लगा पहन लिया अभी नहीं जानती कब बाहर घूमने जा पाएंगे हम लोग बहुत घूमना फिरना पसंद करते थे बहुत घूमने जाते थे मुझसे भी ज्यादा मेरा तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है काम का तो थोड़ा ट्रैवल नहीं करेंगे नहीं घूमेंगे तो कहाँ से आएगा एनर्जी तो इसीलिए हम लोग बहुत घूमते थे आज जब बाहर गए पूरा अंधेरा हो गया था मेरा जो तूरी का जो आ, पौधा है ना हम लोग झींगे बोलते हैं उसपे पंद्रह से सोलह फ्लावर आए हैं अभी जो मेल फ्लावर है वो तो गिर जाएंगे पर जो फीमेल फ्लावर है वो तो रहेंगे मेरा फेस थोड़ा येलो येलो दिख रहा है ना येलो येलो डार्टी फेलो ऊपर का लाइट येलो है इसीलिए वार्म लाइट है येलो लाइट बोलना बहुत ही गलत बात है वार्म लाइट है येलो लाइट किसको बोलते हैं जो टूनी बल्ब होते हैं येलो कलर का या बचपन पे दिखते थे जब दुर्गा पूजा पे सेलोफेन पेपर व्हाइट बल्ब के ऊपर सेलोफेन पेपर डिफरेंट कलर का दे देते थे एकदम बेसिक जैसा डेकोरेशन होता है वो है येलो लाइट ये तो वार्म लाइट है इसीलिए मेरा सिर्फ किचन का ही वाइट लाइट है और बाथरूम का मास्टर बेडरूम के साथ जो बाथरूम है बड़ा वाला बाथरूम उसका क्लोजेट का लाइट व्हाइट है ट्यूब लाइट और वॉशिंग मशीन रखने का जगह ड्रायर रखने का जगह वहाँ पे व्हाइट लाइट है और सभी वार्म लाइट मुझे अच्छा लगता है वार्म लाइट तो तो अभी तो निकलना बिल्कुल नहीं हो रहा है अभी आज ग्रोसरी आए थे तो शाम को और एक बार नहाया नहा के अभी मेरा बाल सेट नहीं हुआ फिर भी एक बन टाइप का मैं बना लिया और बाहर जाके थोड़ा घूम फिर लिया बैक यार्ड पे और सामने आज बहुत अच्छा लग रहा था सनसेट का टाइम शायद रात को थोड़ा सा बारिश हो क्योंकि बहुत एकदम काला घना बादल देख रही थी तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पंद्रह दिन का ग्रोसरी क्या है और पंद्रह दिन ही जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं दस बारह दिन जा सकते हैं वो तेरह चौदह दिन भी जा सकते हैं मतलब अप्रॉक्स पंद्रह दिन का ग्रोसरी क्या क्या मैंने लिया और मैं न पब्लिक से जो इंस्टाकार्ट के थ्रू लेती हूँ हमारे यहाँ होल फूड मार्केट नहीं आते हैं डिज्नी के इतना पास है हमारे घर इतना अच्छा लोकेशन देख के खरीदे थे फिर भी होल फूड मार्केट नहीं आते हैं तो अमेजोन से जैसे कैंट कुछ फूड जो मैं बहुत अवॉइड करना पसंद करती हूँ कैंड कुछ कभी ऑर्डर करती हूँ तो मिल जाता है नहीं तो वालमार्ट से देखे जाते हैं और इंस्टाकार्ट के थ्रू पब्लिक से देखे जाते हैं और uh, मेरे बहुत सारा रिलेटिव्स यूएसए पे हैं, मेरे माइके के, के साइड पे जैसे मेरे फर्स्ट कजिन्स फर्स्ट कजिन्स यानी मेरे पापा के खुद का भाई बहन या मम्मी का खुद का भाई बहन उनका बेटा बेटी ऐसे है सेकेंड कजिन्स है और मेरे ससुराल के बहुत सारा लोग यूएसए पे है बहुत सारा लोग तो मैं बात कर रही थी बोल रहे थे कि कोई कोई ना साबुन से जैसे हैंड वॉश जो जिससे करते हैं नहीं तो जो डिश वॉश करते हैं या डिटर्जेंट बार से सब्जी फल धो रहे हैं साबुन से बिल्कुल धोना नहीं चाहिए यहाँ पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च पेपर निकला है मैंने मैं पढ़ी हूँ उससे ना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकते हैं आपका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकते हैं और हु ने भी कहीं पे नहीं बोला सिटी से भी कभी पे नहीं बोला कि आप साबुन से धो साबुन से बिल्कुल धोना नहीं चाहिए और मैं सुन रही थी कोई कोई डेटॉल पे भी धो रहा है मतलब लोग पैनिक करके क्या क्या कर रहे हैं तो मुझे याद आ गया मैं जब छोटी थी एक बार मैं पढ़ी थी न्यूज पेपर पे, पे। बांग्ला न्यूज पेपर आते थे घर पे कोई गांव पे ही किसी ने प्यार मोहब्बत हो गया किसी लड़की का और फिर ब्रेकअप हो गया और गांव पे जैसे होते हैं ब्रेकअप होने से थोड़ा मतलब बातें बाते होते हैं तो लड़की को खराब लगा तो डेटॉल खा के आत्महत्या करने की कोशिश किया मैंने सोचा ओ माय गॉश, पहले लोग डेटॉल खा के मरने की कोशिश करते थे अभी डेटॉल से साक्स साग सब्जी मांस मच्छी साबुन से डेटॉल से धो रहे साबुन और डेटॉल यू कैन नॉट इनटेक जैसे विनीगर आप खाने पे देते हो नहीं तो पनीर बनाने के वक्त विनीगर देते हो तो पॉइजनस नहीं है पर साबुन और डेटॉल यू नॉट इनटेक तो साबुन से और डेटॉल से मत धोइए जिन जिन को मेरे बात कॉन्विंसिंग लगेगा वो लोग मत धोइए और जिन जिन को नहीं लगेगा मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी उनके बारे में भगवान उनका भला करे तो चलिए मेरा ग्रोसरी देख लेते हैं और सनसेट देख लेते हैं जब मैं बाहर आज गई बाहर जाके मैं जब थोड़ा सा वीडियो किया तो बहुत अंधेरा था बाहर तो मैं नहीं जानती कैसा वीडियो आया अगर अच्छा आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी बाहर का नजारा अभी चलिए और सब अच्छा रहिए आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए और आप बहुत खुश रहिए आपके फैमिली के साथ घर पे खुश रहने का कोशिश कीजिए अभी ना फ्लोरिडा पे बहुत लोग निकल रहे हैं मेरे हस्बैंड भी आज ऑफिस गए थे मास्क लगा के ग्लव्स लगा के वो लोग ऐसे चेन सिस्टम पे काम कर रहे हैं हस्बैंड जब तक ऑफिस पे रहेंगे कोई नहीं आएगा फिर एक आदमी आएगा फिर एक लेडी आएगा मतलब जो जो जब जब आएगा तब तब कोई नहीं आएगा क्योंकि बोलते हैं ना द मस्ट गो ऑन तो काम तो होना ही चाहिए ना और घर पे रह के मैं ही उब गई हूं तो कितना दिन एक इंसान रह सकता है ऐसे घर पे बहुत लंबा दिनों तक घर पे रहना इज लाइक like, वेरी स्ट्रेसफुल वेरी बोरिंग मैं सोच रही हूँ इस वीकेंड पे अगर हस्बैंड थोड़ा फ्री रहे मैं बोलूंगी कि मुझे कार से लेके थोड़ा घुमा के लेके आज मेरा मन था स्विमिंग पूल के साइड जाए आप लोगों के साथ शेयर करें पर अभी अंधेरा हो गए हैं तो इसीलिए मैं नहीं गई एक दिन आपको लेके जाएंगे स्विमिंग पूल के साइड हमारा दो स्विमिंग पूल है हमारा कम्युनिटी पे और बच्चों का खेलने का दो पार्क है मैं कितना जाती थी शाम को सुबह सुबह भी उठ के जैसे वॉक करते करते चली जाती थी देखते हैं अभी एक दिन बहुत सुबह उठेंगे तो कोई नहीं रहेगा तब चले जाएंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो चलिए अभी ग्रोसरी देख लेते हैं मैं क्लोरक्स की डिसइंफेक्ट वाइप से सब कुछ वाइप कर रही हूँ आपके पास नहीं है तो डिश लिक्विड डिश डिटर्जेंट और विनेगर मिला के थोड़ा पानी से मिला के एक पेपर टॉवल से या नॉर्मल टॉवल से वॉश चिप्स आलू पेपर लेमन चिकन चिकन कार्ली नूडल कैलिफोर्निया पिज्जा किचन का बारबेक्यू चिकन रेसिपी बारबेक्यू चिकन पिज्जा थ्री थिन क्रस्ट, विच वी लाइक वेरी मच एंड इट्स ग्लूटेन फ्री आल्सो। वी नेवर ट्राई ग्लूटेन फ्री फर्स्ट टाइम वी विल ट्राई हेड ऑफ फ्रोज़न दो होल मिल्क एक टू परसेंट मिल्क दो योगर्ट, एक मिल्क चॉकलेट एक चिकन ब्रेस्ट टेंडर लॉन्स ये फ्रोजन है एक हेंस चिली सॉस रेड चिली सॉस है चीज स्लाइसेस ऐसे दो ब्लूबेरी एक एंटासीड एंटासिड नहीं चाहिए होता पर अभी तो रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए बटर कोई भी बटर नहीं मिला तो स्वीट क्रीम सॉल्टेड जो भी मिला ये है फ्लाशेबल वाइप्स ये दो ऑल परपज फ्लावर दो मैदा तीन चिप्स की पैकेट यहाँ पे दो एग्स है एक खरीदना अच्छा है सिर्फ खाने के लिए नहीं केक बिस्किट ये सब भी बना सकते हो ब्रेड्स ये है बर्गर ब्रेड आप भाजी भी बना सकते हो हम लोग चीनी मिठाई पे ही खाते हैं कुकिंग पे नहीं खाते हैं मिठाई बनाते हैं तो चीनी खाते हैं तो इसीलिए स्टीविया पाउडर जो ट्रूविया है वो ये है सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं ब्लैक पेपर खत्म हो गया ब्लैक पेपर यह है एक लाइजोल और है कॉर्न स्टार्च और वो है ग्रेड वैल्यू का पेपर टॉवल मैं पंद्रह मिनट सारा सब्जी ल्यक्वर्म वाटर पे सब्जी फ्रूट और मीट थोड़ा विनीगर दे के एक टी या दो टी स्पून विनीगर दे के पंद्रह मिनट डुबो के रखा है सोख करके और फिर ठंडा पानी से अच्छा करके धो के फ्लोर पे वैक्यूम करके उसके ऊपर धुले हुए टावेल लगा के मैं सुखा लूँगी फिर मैं उसको पोच के सुखाने के बाद भी पोच के फ्रिज पे उठा लूँगी जो फ्रीज करना है जैसे चिकन को फ्रीज करना है उसको फ्रीज़ कर दूंगी विनीगर पानी के बाद अच्छा करके ठंडा पानी से धोना चाहिए पहले ही ऐसे गामला बर्तन डेगची सब निकल के रखिएगा तीन घंटा मुझे लगता है टोटल प्रोसीड्योर पूरा ग्रॉसरी रिसीव करके क्लीन करने के लिए बहुत ही टीडियस है पर अपना हेल्थ के लिए करना ज़रूरी है वही मैं कर रही हूँ आप फॉलो कर सकते हो आपके पास विनीगर नहीं हो तो आप नमक और हल्दी लगा के गर्म पानी पर वार्म वाटर पे लगा के धो के फिर ठंडा पानी से पंद्रह मिनट रख के फिर ठंडा पानी से धो के उठा सकते हो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना एक लाइक करना लाइक करने से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलते हैं कमेंट करके बताना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप सब बहुत अच्छा रहिए खुश रहिए और जिन जिन को ऐसे फील हो रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं हस्बैंड तो अभी ऑफिस भी जा रहा है गार्डन पे घास भी काटते हैं और हमारा जो बैकयार्ड है उस पर घास काटते हैं मिट्टी ऐसे आ, उठा देते हैं पेड़ पौधों के पीछे बहुत उनका बहुत ही पसीना खर्चा होता है बहुत कैलोरी बर्न होता है उनके लिए ठीक है मैं प्रेफ़र करती हूँ वेजिटेबल्स और फिश खाना जैसे बांग्लादेशी ग्रॉसरी से मैं होल रोहू फिश और इल हिलसा इलिश माछ जिसको बोलते हैं वो लेके आती हूँ ब्लॉक का नहीं लेके आती हूँ ब्लॉक का सड़े हुए मिलता है बहुत बार ठग गया इसीलिए अभी ब्लॉक का फिश मैं नहीं लेके आती हूँ हाँ पब्लिक से मैं सैमन भी वाइल्ड कॉट अलास सैमन भी खाती हूँ और भी फिशेस मैं खाती हूँ और इंडियन ग्रॉसरी से जो लौकी कद्दू तूरी जो स्नेक गोड होते हैं हम बंगाली में चीचिंगा बोलते हैं करेला आरबी साग मेथी साग और भी साग होते हैं ये सब पंद्रह मार्च को या फोटीन मार्च को लास्ट ग्रॉसरी किए थे उसके बाद से दो महीने से नहीं खाया ये मिल रहा है पेट पे तो कुछ डालना पड़ेगा इसीलिए ये इससे ही काम चला रहा है मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मेरे गार्डन पे कब कुछ सब्जी साग उगेगा मैं वही खाऊंगी क्योंकि इंडियन हूँ तो इंडियन अमेरिकन या वर्ल्ड का दूसरे जगह का जो कुज़िन है मिला जुला के खाती हूँ ऐसे पूरा इंडियन कुज़िन लाइफ से निकल जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है तो ये सब ज़रूरत का सामान है कोई मत सोचिएगा कि बहुत अच्छा अच्छा खा रही हूँ इंडियन ग्रोसरी मिलते उसके साथ ये मिलते तो अच्छा लगता अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग कौन कौन कैसे मीट वेजिटेबल वॉश कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना और मैं बहुत रिसर्च पेपर दो तीन यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ के अच्छा करके समझ के आपको बोल रही हूँ कि साबुन के पानी से मत धोइए खाने पीने का चीज़ हाँ जैसे टेट्रा पैक हो प्लास्टिक का पैक हो ये बाहर से आप धो सकते हो पर डायरेक्ट मत लगाइए साबुन या डेटॉल से तो खराब होते हैं मतलब लॉन्ग रन पे ये ख़राब होगा अभी कब तक ऐसे क्लीन करके हमें उठाना पड़ेगा कभी हमारा लाइफ ऐसे नॉर्मल होगा कि नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं ना तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ साबुन का पानी से बिल्कुल मत धोइए बाक़ी आपका लाइफ है आपका फैमिली है आपका मर्जी है आपका बुद्धि है आपके ऊपर है सब बहुत अच्छे रहिए घर पे खुश रहिए मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आने के लिए आपको एंटरटेन करने के लिए आज मुझे लगा थोड़ा आपको सावधान कर देते हैं इसीलिए मैंने बोला आपको तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगे एक लाइक करके जाना और थैंक्स फॉर वॉचिंग अ ग्रेट डे बाय